नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। चार बच्चों की मां इस दुनिया से रुखसत हो गई, अपने ही घर में वो झुलस कर मर गई। घटना के बारे में जो बातें छन कर सामने आई, उसके अनुसार इंदु देवी को नशा करने की बुरी लत थी। वारदात वाली रात भी इंदु देवी टुन थी, वो अपने कमरे में सोने चली गई। वह बेखबर होकर गहरी नींद में सो रही थी। इस दरमियान रूम में जलती हुई एक मोमबत्ती गिर गई और आग लग गई। मोमबत्ती कब गिरी और आग कैसे लगी, इसकी भनक तक इंदु देवी को नहीं लगी। धड़कते घर से बाकी घर वाले बाहर निकल गए। जब इंदु देवी को खोजा गया तो वो आसपास नहीं मिली। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि कोई भी अंदर जाकर इंदु को खोजने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इंदु की कहानी खत्म हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद उसके चारों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। यह दर्दनाक हादसा पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अखड़ाही में हुआ। रांची नगर निगम में आज दूसरे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। हड़ताल की वजह से निगम का कामकाज ठप हो गया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले कर्मचारी तक स्ट्राइक पर बैठ गए। निगम में काम कराने आए लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। स्ट्राइक पर बैठे निगम कर्मियों का कहना था कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी काम के दौरान जान चली गई, लेकिन उनके घर वालों को अनुकंपा पर अभी तक नौकरी नहीं मिली। सातवां वेतन मान के एरिया का बकाया पैसा भी लोगों को नहीं दिया गया। इसके अलावा और भी कई मांगों को लेकर निगम के साहबों से बातचीत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बीती देर रात कोयलांचल में जमकर लूटपाट हुई। हथियार के बल पर कोलियरी में काम करने वालों को बंधक बनाया गया। विरोध करने पर मौके पर तैनात गार्ड को भी दम भर पीटा गया। घटना के बाद वहां काम करने वाले लोग काफी डरे हुए हैं, वहीं उनका गुस्सा भी उबाल पर था। गुस्साए कर्मी नाइट शिफ्ट के दरमियान सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम करने की मांग कर रहे थे। ये दुस्साहसिक वारदात धनबाद के BCCL के 6 नंबर पुट की कोलियरी की है। वारदात के वक्त वहां तैनात एक पंप ऑपरेटर ने बताया कि बीती देर रात 25 से 30 बदमाश आधम के सब हथियार से लैस थे। पहले तो गार्डों को पीटा, फिर हथियार भिड़ा, सभी को बंधक बना मोबाइल छीन लिया। बदमाश लाखों की संपत्ति लूट लिए गए। सुबह जब दूसरे शिफ्ट के कर्मी आए तो जानकारी प्रबंधन को दी गई। परियोजना पदाधिकारी जीके सिंह भी सभी कर्मियों से मिले और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की NDA कैंडिडेट होगी। इस बात का ऐलान आज यानी शुक्रवार को कर दिया गया। सुनीता चौधरी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। वे कल यानी 4 फरवरी को नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने इसकी औपचारिक घोषणा की। देव शरण ने बताया कि बीते गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में सुनीता चौधरी को कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया गया। डॉक्टर देव शरण भगत ने कहा कि NDA पूरे दमखम से रामगढ़ उपचुनाव लड़ेगा। राजधानी रांची में 9 PDS दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने इन्हें शो कॉज जारी किया है। इन सब पर काम में लापरवाही बरतने का इल्जाम है। चल रहे PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा के तहत आज यानी 3 फरवरी को DSO बिलुंग औचक निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान इन 9 PDS दुकानों को बंद पाया। दिन के करीब 12:30 बजे ये दुकानें बंद पाई गई। DSO ने वर्किंग आवर में PDS दुकानें बंद क्यों थी, इस बात का स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर मांगा है। साथ ही अपने दुकान से संबंधित 100% राशन कार्ड धारियों का डेटा क्लीन करने का आदेश दिया है। PDS दुकानदारों और राशन कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर CM हेमंत सोरेन काफी गंभीर है। काम में लापरवाही बरतने और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश CM ने दिया है। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। रिम्स के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा नहीं रहे। राजधानी रांची के करण टोली चौक पर वे रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए। चश्मदीद लोगों का कहना है कि शुक्रवार को दिन के उजाले में डॉक्टर सौरभ करम टोली चौक की ओर से रिम्स की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त एक स्कूली बस ने उन्हें ठोकर मार दी। वे जमीन पर गिर पड़े। जब तक संभल पाते तब तक उन्हें एक बस ने रौंद डाला। ड्राइवर बस को लेकर मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। आसपास से जुटे लोग लहूलुहान डॉक्टर सौरभ को एम्बुलेंस से रिम्स ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर डॉक्टर सौरभ को धक्का मारने वाले बस का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। कपड़ा सुखाने को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर बवाल हुआ। दो पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। मामूली सी बात को लेकर हुए लफड़े में 8 लोग जख्मी हो गए। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर, कुछ का माथा फूट गया। सभी जख्मी लोगों को पहले लालगंज PSC में भर्ती कराया गया, वहां से सदर अस्पताल भेज दिया गया। यह घटना हाजीपुर के लालगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि झगड़ा बीते 1 फरवरी को हुआ था। मारपीट का वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ। वीडियो में लोग ताबड़तोड़ लाठी डंडे चलाते दिख रहे हैं।
जख्मी कुछ लोगों के अनुसार कपड़ा धोकर दीवार पर सुखाने के लिए रखा था। इसी दौरान कपड़े से पानी टपक कर पड़ोसी के घर की ओर चला गया। तभी दोनों पक्ष में कहासुनी होने लगी, गाली गलौज शुरू हो गई। इसके बाद बात बिगड़ गई। वहीं पुलिस का कहना है कि कपड़े सुखाने को लेकर बवाल हुआ था। नगर थाने में फर्द बयान दोनों पक्षों के द्वारा करवाया गया। मामले की जांच चल रही है। 11वीं के स्टूडेंट प्रिंस की दर्दनाक मौत हो गई। उसे एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। 18 साल का प्रिंस अपने घर का इकलौता चिराग था। 7 महीने पहले उसकी बड़ी बहन की भी एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी। घटना के बारे में प्रिंस के घर वालों ने बताया कि वो अपने दोस्त को इंटर की परीक्षा दिलाने छपरा गया था। एग्जाम दिलाकर वापस गड़क पाने गांव लौट रहा था। जब मुफसिल थाना क्षेत्र के जसिस्ती पोखरा के पास पहुंचा, तो एक ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। दोनों दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। प्रिंस की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे PMCH पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के दरमियान रास्ते में ही प्रिंस की सांसें उखड़ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाल बाल बच गए। अखिलेश यादव के काफिले में साथ चल रही 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को CSC में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव हरपालपुर थाना क्षेत्र के बैठापुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जगह जगह स्वागत किया। समारोह से लौटते वक्त फरहत नगर क्रॉसिंग मोड पर ब्रेकर के पास सपा अध्यक्ष के फ्लीट की गाड़ियां आगे निकल गई। वहीं ब्रेकर को देख अचानक कार्यकर्ता की तेज रफ्तार एक गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। उसके पीछे चल रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सपा अध्यक्ष के काफिले की गाड़ियां नहीं टकराई थी, पीछे चल रही कार्यकर्ताओं की गाड़ियां एक दूसरे से टकराई है। घायलों का इलाज चल रहा है। घटना हरदोई जिले के मल्लावा थाना क्षेत्र की है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।